तो कैसा दोस्तों, मैं बहुत बढ़िया। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये क्यूट सा डॉग रखने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मुझे भी हो रही है और हर किसी को होगी जो ये ब्रीड का डॉग रखेगा। देखिए वैसे तो ये डॉग बहुत ही क्यूट है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे रखा है। और आप लोग को जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके च्वाइस तो ये होंगे ही होंगे कि ये डॉग आप एक बार जीवन में जरूर रखो, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ये डॉग रखने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और जो मैं ये झेलते आ रहा हूँ। देखिए ये एक एक प्रॉब्लम ले लो या फिर जो भी आप ले लो, मैं तो प्रॉब्लम नहीं मानता हूँ क्योंकि ये ब्रीड लेने से पहले मुझे पता था कि ये सारी चीज़ इनके साथ होते हैं, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं एक साल से इनके साथ रह रहा हूँ और जो भी शेयर करूँगा वो बिल्कुल सही होगा इस ब्रीड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ती है इसके साथ रहने में वो ये है कि मैं जब भी खाना खाता हूँ दिन में, कभी भी अगर 5 बार खाना खाया तो उसमें से कम 2 बार मेरे मुंह में इसके बाल आ ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। उसे इसका बाल बहुत बड़ा बड़ा है, या फिर वो खाना में आ जाए या फिर पानी में किसी तरीके से मिक्स हो जाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इसका बाल मुंह में आ ही जाता है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन हर चीज़ का है, सॉल्यूशन इसका भी है कि इसका हेयर ना आए, लेकिन ये प्रॉब्लम आप लोग को झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम था। अब दूसरा कि इस ब्रीड के डॉग में ना एक अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावर होता है, ये अपने आप को समझता है कि मैं अब मेरे सामने कोई भी आ जाए ना, कोई भी डॉग, तो सारे को मैं देख लूँगा अकेले। तो यही होता है जब भी आप इसे पार्क में ले जाओगे तो आगे सामने कितना बड़ा भी डॉग हो, कोई भी ब्रीड का डॉग हो, ठीक है, पिटबुल जर्मन शेपर्ड, तो ये उसे अकेला फाइट करने के लिए सोचेगा। तो या तो आप इसे ट्रेनिंग दे दो प्रॉपर, ठीक है, टॉम इज इट गुड बॉय, या तो आप इसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो ताकि ये समझे कि फाइट नहीं करना है, नहीं तो ये नॉर्मली ये फाइट करेगा ही करेगा, ठीक है, हर ब्रीड के साथ। तो मैंने इसके ट्रेनिंग करवाया हुआ है तो ये अक्सर ऐसा नहीं करता, ठीक है, लेकिन कभी कभी फिर भी कर देता है, ठीक है। तो आप इसे ट्रेनिंग दोगे तो वो सारा चीज़ प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, लेकिन हाँ ये दूसरे डॉग से फाइट करना हमेशा चाहेगा, ये दूसरा प्रॉब्लम था तो इसके साथ होते हैं, इस ब्रीड के साथ होते हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये होता है कि इस ब्रीड में देखिए ज़्यादातर ये नहीं होगा लेकिन फिर भी होगा, इस ब्रीड में बाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बच्चे को या बड़े को भी ऐसा नहीं समझते हैं कि ये बच्चा है या फिर ये बड़ा है, अगर इसको काटने का मूड बन गया तो ये किसी को भी काटेंगे, ठीक है। अगर मूड नहीं है काटने का ना, अगर आप इसे इरिटेट नहीं किए हो या फिर ये नॉर्मल है तो ये हर बच्चे के साथ भी एक फैमिली की तरह रहेगा, ठीक है, बच्चे को भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर कभी ये इरिटेट हो गया, आप समझ रहे हो कि इरिटेट कब होता है, तो अगर जब ये इरिटेट हो जाएगा तब ये ना ही बड़ा को भूजेगा ना ही छोटे को भूजेगा, हर किसी को काटेगा, ठीक है। तो ये था इस प्रॉब्लम, बाकी डॉग बिल्कुल सही है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग है इंडिया में, तो बहुत सारे लोग इसे रख रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो भी हो सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो बाकी हम आपके साथ हैं ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो दोस्तों अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नीचे होगा रेड कलर सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर देना, और बाद में एक बेल का भी आइकन आएगा तो उसे भी क्लिक कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आती रहे, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास है, सब कुछ है, तो हम बहुत सारे वीडियो में मिलते रहेंगे। दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको ये डॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के लोकेशन में इसका प्राइस क्या चल रहा है अभी, ठीक है। हमारे यहाँ अलग होगा, आपके यहाँ अलग होगा, तो प्लीज़ आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग के लोकेशन में इसका प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। ये एक इंडियन स्पिट्ज़ है और इंडियन स्पिट्ज़ का प्राइस आप लोग के लोकेशन में कितना चल रहा है, ठीक है।